तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 20 इंपोर्टेंट जीके जीएस के साथ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे। जी हाँ, बहिष्कृत भारत पत्रिका के संपादक कौन थे, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 3 को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, संविधान के भाग 3 को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है आपका भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। जी हाँ, सर्वप्रथम किस अधिनियम के तहत विधान परिषदों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। ये बातें हो रही है जब हमारा देश गुलाम था उस समय का, तो इसका आंसर है आपका 1909 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। जी हाँ, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर है आपका एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। जी हाँ, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है, तो इसका आंसर है आपका JB Shaw। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है। जी हाँ, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है, तो इसका आंसर है आपका जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था। जी हाँ, संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर है आपका पेरुनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेभागा आंदोलन का संगठन किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, तेभागा आंदोलन का संगठन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर है बंगाल किसान सभा द्वारा। जी हाँ, बंगाल किसान सभा द्वारा तेभागा आंदोलन का संगठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यूराक्षी नहर किस राज्य में है। जी हाँ, म्यूराक्षी नहर किस राज्य में है, तो इसका आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। जी हाँ, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है आपका गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। जी हाँ, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर है आपका हॉट मनी, जिसे हम लोग गर्म मुद्रा भी कहते हैं। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है। जी हाँ, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है, तो इसका आंसर है आपका आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग सूत्र किसकी रचना है। जी हाँ, योग सूत्र किसकी रचना है, तो इसका आंसर है आपका पतंजलि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी। जी हाँ, प्राचीन काल के संगम साहित्य की रचना किस का भाषा में की गई थी, तो इसका आंसर है आपका तमिल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है। जी हाँ, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है, तो इसका आंसर है आपका काव्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए कोही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। जी हाँ, दीवान ए कोही की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदिया आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था। जी हाँ, अहमदिया आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर है आपका पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर है आपका मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है। जी हाँ, मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका स्टेग फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। जी हाँ, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक, यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।